नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। 1905 मन की बात, सीएम सुझाव और समीक्षा। जी हां, उत्तराखंड प्राइम में बात होगी सबसे पहले इसी मुद्दे की। अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को अपने मन की बात जनता के मन तक पहुंचाते आए हैं। हालांकि पीएम की इस पहल का हर ओर स्वागत हुआ, वो एक अलग बात है कि सियासत भी इस पर खूब होती दिखी और आज भी हो रही है। मगर अब सूबे की डबल इंजन की त्रिवेंद्र सरकार भी इस दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बस थोड़ा सा अंतर है, यकीन मानिए अगर यह फॉर्मूला हिट हो गया तो त्रिवेंद्र सरकार की बल्ले बल्ले तो होगी, साथ ही फैन फॉलोइंग भी बढ़ जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहां पर कौन सी पहल की बात हो रही है। थोड़ा सब्र कीजिए, इस पहल की आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। साथ ही दूसरा मुद्दा जुड़ा हुआ है नीति आयोग की बैठक से। सोमवार के दिन नीति आयोग के उपाध्यक्ष और संबंधित अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री का मैराथन मंथन चला। इस मैराथन मंथन में कितना अमृत निकला ये तो मालूम नहीं, मगर जो खबरें आ रही हैं उस पर यकीन करें तो तमाम मसलों पर विस्तार से लंबी बातें हुई हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो भी विकास पर चर्चा हुई है उसका पहाड़ पर असर कब तक दिखाई देने वाला है, बड़ा सवाल है। इस पर भी होगी विस्तार से चर्चा, मगर सबसे पहले बात होगी सरकार की सराहनीय पहल की। तो आपको महज एक नंबर डायल करना है, नंबर सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट का है। याद करना भी बेहद आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके सुझाव, आपकी शिकायत, आपके मन की बात, जो भी हो उसे आप इस नंबर को डायल करके मुख्यमंत्री सरकार के निजाम तक पहुंचा सकते हैं। यकीनन पहल सराहनीय है, मगर सवाल भी हैं जिनका जवाब सत्ता पक्ष की ओर से आए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पहल भी सत्ता पक्ष की ओर से हुई है। पहले आप इस रिपोर्ट के जरिए जानिए पहल और वो नंबर जो आपको डायल करना है। सवाल बाद में उठाएंगे, एक बार फिर से बता दें कि नंबर बिल्कुल आसान है, 1905 1905। इस टोल फ्री नंबर को आप ध्यान से देख लीजिए और इसे अपने दिमाग में फीड भी कर लीजिए। नंबर बिल्कुल आसान है, एक बार फिर गौर से देखिए, 1905। उम्मीद है अब ये नंबर आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस नंबर की क्या पहेली है। दरअसल ये टोल फ्री नंबर राज्य की डबल इंजन सरकार की ओर से उत्तराखंड के आवाम के लिए जारी किया गया है। अब इस नंबर के इस्तेमाल करने के तौर तरीकों के बारे में भी जान लें। अगर आपके मन में राज्य के विकास के लिए कोई आइडिया है या फिर किसी व्यवस्था को आप जनहित में नहीं समझते तो चुप ना रहें, क्योंकि अब डबल इंजन की राज्य सरकार आपके मन की बात सुनने को आगे आई है। जहां मोदी सरकार अपने मन की बात को जनता तक पहुंचाती है तो वहीं त्रिवेंद्र सरकार जनता के मन की बात को इस नंबर के जरिए सुनेगी। सरकार के सरदार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के युवाओं और आम जनता के लिए टोल फ्री नंबर 1905 सामने रखा है। अब इस नंबर के जरिए मुख्यमंत्री के साथ अपने विचार कोई भी साझा कर सकता है। भाजपा हुकूमत का मानना है कि सरकार के लिए प्रदेश की जनता के सुझाव बहुमूल्य हैं। ऐसे में आम जनता अपने सुझाव सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकती है। राज्य के विकास को सही दिशा देने और विकास की रफ्तार को टॉप गियर में पहुंचाने के लिए युवाओं की भागीदारी त्रिवेंद्र सरकार चाहती है। आपके लिए ये भी जानना बेहद जरूरी है कि सरकार की ओर से जारी टोल फ्री नंबर पर आप अपनी बात केवल हिंदी अंग्रेजी ही नहीं बल्कि स्थानीय भाषा में भी दर्ज करवा सकते हैं। इस पर दर्ज हुए संदेश को संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए तुरंत भेजा जाएगा। सरकार के सरदार त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद व्यवस्था की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार हर सुझाव की फाइलिंग की जा रही है। एक एक सुझाव को ध्यान से सुनकर उन पर तुरंत अमल किए जाने के बाद भी बड़े बड़े दावों के जरिए कही जा रही है। यकीनन सरकार की सोच सराहनीय है और इसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए, मगर सरकार के इस पहल पर प्रश्न भी कई खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि अगर सुझाव प्राप्त हो रहे हैं तो फिर उन सुझावों या फिर उन समस्याओं का समाधान आखिर कब तक हो पाएगा? कहीं वक्त वक्त पर उन सुझावों पर सियासत होती हुई दिखाई दे? हर सवाल तो कई हैं, मगर कुछ इसी तरह की एक पहल हरीश रावत राज में भी शुरू हुई थी, जिसमें हरीश रावत हफ्ते में एक दिन हेलो उत्तराखंड नाम से फोन पर
स्थानीय बाशिंदों से बातचीत किया करते थे और उनकी समस्याओं को सुनते थे। चूँकि इस पहल पर पॉलिटिक्स हो न हो, मगर एक बात तो मानी जा सकती है कि दूर दराज में रहने वाली जनता को किराया लगाकर दून नहीं आना पड़ेगा और वो अपनी शिकायतों और सुझावों को सरकार की टेबल तक फोन के जरिए पहुंचा सकते हैं। कैमरा पर्सन सौरभ कुमार के साथ हरीश खनेड़ा, जैन टीवी, देहरादून। आगे बढ़ें और तमाम सवाल उठाएं, मगर उससे पहले जरा कांग्रेस का जो वर्जन है वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसा हो नहीं सकता कि इस तरह के विषयों पर सियासत ना हो। हर बार होती आई है तो इस बार क्यों नहीं होगी, आज भी हो रही है। पहले जरा ये बयान सुनिए और फिर उसके बाद प्राइम में सवालों की बारी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस तरह का टोल फ्री नंबर दिया है आम जनमानस के लिए, इसका मतलब यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये समझ चुके हैं कि जो उनके जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक लोग हैं, वो जनता उन पर विश्वास नहीं कर रही है, इसीलिए उन्होंने टोल फ्री नंबर दिया कि मुझसे डायरेक्ट बात करें। और ये चाहिए तो ये था कि जो उनके विधायक हैं, माननीय मंत्री लोग हैं, उन्हें विधानसभाओं में भेजते हैं, क्षेत्रों में जाते हैं, जनता की समस्या सुनते। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी शायद लगता समझ चुके हैं कि उनके विधायक लोग जो आम जनमानस से जो दूर होते जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस टोल फ्री नंबर को दिया। चलिए, हमारे साथ ज्योति प्रसाद गहरौला जी जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए। गहरौला साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार गहरौला साहब, हम चाहेंगे कि जरा हम जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो अपने दर्शकों के लिए टीवी स्क्रीन पर ले आते हैं, उसके बाद देख करके उनके जवाब आपसे लेते हैं। पहला सवाल यही कि टोल फ्री नंबर जारी करने से सरकार को क्या कुछ हासिल होगा। सवाल नंबर दो ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ वक्त बाद ही ये योजना बंद कर दी जाएगी। तीसरा सवाल ये कि अच्छा ये ना हो कि जनता के बीच मंत्री और विधायक पहुंचे और सीधे उनसे संवाद स्थापित करके उनके सवालों को लें। चौथा सवाल ये कि तमाम सुझावों और समस्याओं का निपटारा कितने दिनों में हो सकेगा, जब अगर शिकायतें बड़ी संख्या में होंगी तो फिर ये कैसे इसका हल निकलेगा। और आखिरी सवाल ये कि सरकार की हर बात में आखिर कांग्रेस कमी क्यों निकालती है। तो इन तमाम सवालों के जवाब लेते हैं, हमारे साथ गहरौला साहब जुड़ चुके हैं। गहरौला साहब, बहुत सारी समस्याएं हैं, कई राज्यों में हमने देखा कि इस तरह की सेवाएं शुरू की गई लेकिन उससे जनता की समस्याएं नहीं सॉल्व हुई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत लोग जो आपकी पार्टी के विरोधी होंगे, बहुत सारे लोग अनजाने में, बहुत सारे लोग सिर्फ आनंद लेने के लिए इस तरह के नंबर्स का उपयोग करते हैं और इससे जो आम आदमी जो परेशान है उसकी बात नहीं पहुंच पाती है। अब ये नंबर तो जारी कर दिया गया है, कितनी उम्मीद करें कि इससे सफलता हासिल होगी। ये मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत जगहों पर ये प्रयोग फेल रहे हैं। नहीं, पहली बात तो ये है, ये जो नंबर जारी किया गया, इस तरह की व्यवस्था बनाई गई, इसके पीछे हमारी नियत क्या है? हम राज्य के आम व्यक्ति को शासन के कार्यों से, प्रशासन के कार्यों से, उनकी समस्याओं से के निवारण के लिए उसको जोड़ना चाहते हैं। ये संवाद की एक अच्छी पहल है और उस पहल पर इतने सारे संशय, इतने सारा भ्रम के बादल एकदम से खड़े कर दिए जाए, तो मुझे लगता है, एक लाइन में अगर मैं कहूं, मैं इस योजना के प्रति पूरा आशावादी हूं जी, और निश्चित तौर पर ये योजना अच्छी योजना के रूप में साबित होगी और इससे लोगों की समस्याओं का निदान होगा। और अगर इसमें पिथौरागढ़ में, चमोली में, उत्तरकाशी में बैठे हुए एक व्यक्ति की समस्या का निवारण होता है जी, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पहल है। ठीक, तो इसलिए समय का इंतजार करना चाहिए। और जहां तक आपने कहा कि कांग्रेस में कमी ढूंढ रही है, असल या इतनी कमी ढूंढते ढूंढते तो इतने कम हो गए, चलिए इसका तो समझना पड़ेगा जी। चलिए, कम क्यों हो रहे हैं? गहरौला साहब जरा इसका जवाब ले लेते हैं। गहरौला साहब इसका जवाब ले लेते हैं, जरा हमारे साथ गरिमा जी जुड़ चुकी हैं, उनसे जरा इन सवालों के जवाब ले लेते हैं। गरिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विपुल जी, नमस्कार। नमस्कार गरिमा जी, पहला सवाल तो यही कि अब सरकार की तरफ से एक पहल की जा रही है ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ संवाद स्थापित करने की, तो कांग्रेस की तरफ से आलोचना किस बात को लेकर के हो रही? अब तो आपके लिए भी आसानी है, कोई शिकायत हो तो आप भी
1905 डायल करके वो मुख्यमंत्री से अपनी शिकायत कह सकती हैं, तो इसमें नाराजगी किस बात की है? करेंगी फोन आप? नहीं नहीं, देखिए नाराजगी तो बिल्कुल नहीं है, सरकार की पहल है तो अच्छी पहल होगी, लेकिन निश्चित तौर पर एक आशंका मन में उठती है कि जितने वादे भाजपा करती है अभी तक उसकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा एक फर्क देखने को मिला है। तो अभी केवल शिकायत दर्ज करने वाली योजना शुरू करी है, समाधान बताने वाली योजना कहीं अभी तक दिखाई धरातल पर दे नहीं रही है। तो हम आशान्वित हैं कि जितनी स्पीड से ये शिकायत दर्ज करेंगे उतनी ही स्पीड से ये समाधान भी निकालेंगे, क्योंकि शिकायत दर्ज करना एक बात होती है और उन शिकायतों का समाधान निकालना अलग बात होती है। जब सरकार ने देखा कि हमारे मंत्रियों को हमने भाजपा कार्यालय में बैठाना शुरू करा तो पहले हुआ कि हफ्ते में पूरे हफ्ते ड्यूटी लगेगी मंत्रियों की, फिर हुआ कि हफ्ते में चार दिन बैठेंगे मंत्री, अब मैं सुन रही हूँ कि हफ्ते में दो दिन या हफ्ते में एक दिन की बात हो रही है। वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो पूरी कवायद जो सरकार की थी वो टोटल फेलियर हो गई। चार से पांच लोग भी नहीं पहुंचते वहां शिकायत लिखाने के लिए, क्योंकि इस वजह से सीमा जो संख्या है वो कम होती चली गई शिकायतकर्ताओं की भाजपा कार्यालय में, क्योंकि कैबिनेट मंत्री लेवल का व्यक्ति भी उनका समाधान नहीं कर रहा था और उनको झूठा आश्वासन दिया जा रहा था। और दूसरी शिकायत लोगों की ये थी, एक सेकंड निकुल जी, दूसरी शिकायत वहां पहुंचने वाले लोगों की ये थी, उनके अंदर बहुत आक्रोश और रोष था, वो इस बात को लेकर था कि अगर अखबारों के माध्यम से या दूसरे माध्यम से लोगों को सुबह 9 बजे या 10 बजे का समय दिया जाता था कार्यालय में पहुंचने का, तो मंत्री महोदय 1 बजे पहुंचते थे और लोगों को वहां 3-4 घंटा वेट कराने के बाद लोगों की समस्याओं का निस्तारण भी नहीं हो पाता था। तो अभी तो योजना शुरू ही हुई है, आगे आगे देखिए अंजाम होता है क्या, क्योंकि हमने स्वास्थ्य बीमा योजना का अंजाम देख लिया, हमने किसानों का अंजाम देख लिया, हमने खाद्यान्न घोटाले का अंजाम देख लिया, हमने NH-74 घोटाले का अंजाम देख लिया। तो अब एक ये नई शुरुआत है, ये रोज नया शगुफा छोड़ते हैं, जनता को ये बरगलाने की कोशिश करते हैं और ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं जनता का। जब जब इनसे कोई लोचा हो जाता है तो ये जनता को झट से ध्यान हटाने के लिए एक नई शगुफा छोड़ देते हैं। तो इस समय इनकी थूथू हो रही है स्वास्थ्य बीमा योजना समाप्त करने की वजह से, एन राज्य स्थापना दिवस के दिन जिस तरह से इन्होंने 13,00,000 गरिमा जी, बस थोड़ा सा संक्षेप में, क्योंकि अब मेरा जी एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया गरिमा जी, गरिमा जी ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक के बाद भी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। गैरवाला साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, गरिमा जी भी बनी हुई है, बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए आप भी हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं, हमारे साथ ज्योति प्रसाद गरौला जी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ गरिमा जी मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से, दोनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हम बात कर रहे हैं सरकार की नई पहल को लेकर के। गरिमा जी, बहुत छोटा सा जवाब मैं चाहूंगा, मैं अभी तो आपके मन में आशंकाएं हैं ना कि शायद ये योजना सफल हो ना सफल हो, लेकिन ये प्रयास तो अच्छा है कि सरकार कोशिश कर रही है ज्यादा से ज्यादा संवाद आम जनता के साथ स्थापित करने की, बहुत छोटा जवाब। देखिए, मैंने जैसा आपको बताया विपुल जी कि जब जब इनके ऊपर कोई जगहसाई इनकी होती है या कोई ऐसा सरकार से गलत कदम उठ जाता है तो ये जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह की शगुफों का इस्तेमाल पहले से करते आए हैं और ये इनकी केंद्र सरकार की नीति भी है। तो अब आप देखिए कि यहाँ जब से स्वास्थ्य बीमा योजना के को लेकर इनको इनकी थूथू हो रही है पूरे राज्य में, तो इसलिए इन्होंने एक नया शगुफा छोड़ दिया कि हम शिकायत सुनेंगे। आप शिकायत सुनेंगे जरूर, लेकिन समाधान कितना निकालेंगे, क्योंकि आपका एक प्रयास तो पूरी। इसका जवाब ले लेते हैं गरिमा जी, अब इसका जवाब ले लेते हैं जो हमारे साथ गौरवला जी मौजूद हैं। गौरवला साहब, गरिमा जी कह रही हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी आशंकाएं उनके मन में, वो करें शिकायत तो लोग दे देंगे लेकिन सलूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि इससे पहले भी चाहे वो जनता दरबार लग रहे हों या अलग अलग जगहों पर मंत्रियों के बैठने की व्यवस्थाएं की गई हों, लोग कह रहे हैं सलूशन नहीं मिल पा रहा है। देखिए,
नहीं नहीं गरिमा जी कह रही है कि हमारी थूथू हो रही है। हाँ नहीं, थूथू तो हो ही रही है, वो ये भी कह रही है। पूरे देश की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को थूथू के रूप में जो है राज्य को जिताते जा रही है। अरे आखिर इनकी समझ में कब आएगा थूथू किसकी हो रही है? जिन्होंने पूरे देश में भ्रष्टाचार को जन्म दे दिया जी, उनकी थूथू हो रही है कि हमारी थूथू हो रही है, ये समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? चले आज के विषय पर आ जाते हैं, इसका इसका जवाब मैं ले लूंगा, लेकिन मिलाकर जी एक अच्छी पहल है जी, अच्छी पहल से अच्छे परिणाम निकलेंगे। राज्य के विकास के प्रति हम संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध है। नहीं नहीं, ये एक ये आशंका इसलिए भी है ना कि आप लोगों ने ये जो तमाम उससे पहले जो मैकेनिज्म बनाए थे लोगों की समस्याओं को सुनने और उनका निवारण करने के लिए, वहां पर तो बहुत लोगों की शिकायत जैन टीवी पे भी लोगों ने की कि उसमें पार्टी के कार्यकर्ता इतने पहुंच जाते हैं कि आम जनता की शिकायतें ही नहीं सुनी जाती हैं। तो अब यहाँ पर भी तो ऐसा नहीं होगा कि तमाम कार्यकर्ता और तमाम लोग जो है अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे, उन्हीं की समस्याओं का निवारण होगा और बाकी जो आम आदमी है वो पहले भी हाशिए पर था और आगे भी रहेगा। कार्यकर्ताओं के पास ही फोन है, केवल वही फोन का उपयोग कर पाएंगे, कैसी बात कर रहे हैं? इल्जाम है लोगों के जी है? लोगों ने कहा कि आपने इससे पहले जो दरबार लगाए थे वहां पर बड़ी संख्या में आपके कार्यकर्ता होते थे, वहां पर आम जनता को आम जनता अपनी अपनी समस्या नहीं कह पाती थी, ये तो हमारे पास शिकायत आई है। ये ऐसे लोग इल्जाम लगा रहे हैं जिनको जनता की अदालत ने दोष सिद्ध करके सत्ता से बाहर हटाकर इनको इनके अंजाम तक पहुंचाने का काम कर दिया। ऐसे लोग क्या आरोप लगाएंगे? चले इसका कुल मिलाकर एक अच्छी पहल है, इसकी सराहना होनी चाहिए। इसकी कोई मॉनिटरिंग होगी क्या गहराला साहब जी? मान लीजिए कि हमें मान जी, क्योंकि हमें कैसे पता लगेगा? मान लीजिए एक आदमी ने फोन कर रहा है, अपनी शिकायत दर्ज करा रहा है, उसके पास कोई सबूत होगा कि भाई देखिए हमारा ये शिकायत पंजीकरण नंबर ये होगा, हमारी शिकायत नंबर का ये सोल्यूशन निकला नहीं निकला? कल को तो अगर मान लीजिए किसी ने मना कर दिया कि नहीं कोई शिकायत ही नहीं आई, तो उस व्यक्ति तो ये मान के चल रहा है कि हमने शिकायत दर्ज करा दी है, उसका हल इतने दिनों में मिल जाएगा। कोई उसकी मॉनिटरिंग होगी? पहले भी इतने आशंकित मत होइए जी, इतने आशंकित मत होइए, इतने भ्रम के बादल मत उठाइए। अच्छी पहल है, इसकी सराहना कीजिए जी, और इसके अच्छे परिणाम निकल के आएंगे। आप ही हम तो जनता जनता के लिए आशंकित हो रहे हैं, लोगों को दिक्कत ना हो, लोगों को ऐसा ना लगे। जनता कतई आशंकित नहीं है। अच्छा चलिए, इसका जो आपने कहा उसका उसका जवाब ले लेते हैं जरा गरिमा जी से। गरिमा जी वो कह रहे हैं कि थूथू करने की बात जो आपने बोली, उन्होंने कहा कि ये तो देश देख रहा है कांग्रेस की किस तरीके से थूथू हो रही है, हमको हर जगह मैंडेट मिल रहा है और कांग्रेस को लोग किनारे कर रहे हैं, तो ये मत कहिए आप कि लोगों की थूथू से बचने के लिए इस तरह का कार्यक्रम किया गया। बिल्कुल जी, इनको जरा इनके गढ़ चित्रकूट की याद दिला दीजिए कि कैसे लोगों ने इनको नकारना शुरू कर दिया है, और चित्रकूट जो इनका गढ़ हुआ करता था जरा उसकी इनको याद दिला दीजिए। और दूसरा मैं कहना चाहती हूँ कि आप मॉनिटरिंग की बात एक ऐसी पार्टी से कर रहे हैं, अगर ये मॉनिटरिंग कर रहे होते तो क्या स्वास्थ्य विभाग को उनकी नाक के नीचे 30 अक्टूबर का करार समाप्त हो जाता है और मुख्यमंत्री इतना हास्यास्पद बयान देते हैं कि मुझे अखबारों के माध्यम से पता चला कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना समाप्त हो गई है। इतना इतना निंदाजनक बयान एक मुख्यमंत्री के स्तर से आता है तो आप निश्चित तौर पर देख लीजिए कि कितनी मॉनिटरिंग इनके वहाँ होती है, वो इस बात से आप बखूबी पहचान सकते हैं और आगे भी कितनी मॉनिटरिंग होगी। ये लोग तो शिकायतकर्ताओं को बोझ की तरह लेते हैं। बकुल जी आप देखिए, कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, उनके घर पटे होते थे लोगों से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लोग बड़ी विनम्रता के साथ बड़ी सौम्यता के साथ लोगों को सुनते हैं और उनका समाधान निकालते हैं। और लोग अभी पश्चाताप लोगों ने शुरू कर दिया है करना कि ये किस डबल इंजन की सरकार को हमने अपना वोट देके अपना वोट खराब कर दिया है, क्योंकि यहाँ तमाम जो है जैसा हाल दिल्ली का हो रहा है स्मॉग से, वही हाल यहाँ देहरादून के यहाँ के मेयर ने कर दिया है कि यहाँ का जो पूरा निस्तारण स्थल है, ट्रेंचिंग ग्राउंड है, वहाँ आग लगा दी है और उससे पॉल्यूशन से जो हजारों लोग तमाम उसके चारों तरफ रहते हैं उनका दम घुट रहा है उसके धुएं से, और उस धुएं के धुएं में सिर्फ ऑर्गेनिक कूड़ा नहीं है, वो उसमें मेडिकल का कूड़ा भी है, उसमें तमाम दवाइयां भी है। तो आप सोचिए कि वहां रहने वाले बच्चों का हाल और वहां रहने वाले बुजुर्गों का क्या हाल हो रहा होगा। तो मॉनिटरिंग तो इनके वहां होती नहीं है बिल्कुल भी, वो तो आप भूल जाइए कि मॉनिटरिंग की बात। लेकिन मैंने आपसे जैसा कहा पहल अच्छी है, अगर इस पहल पे
ये अमल करें तब, अगर ये शिकायतकर्ताओं की बात को सुने और केवल सुने नहीं उसका समाधान निकालें तो निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल है। चलिए गैरवला साहब से पूछ लेते हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं आपको। गैरवला साहब, बहुत सारी आशंकाएं गरिमा जी ने व्यक्त की हैं। अब जिनको आशंकाओं में जीने की आदत पड़ गई तो उनके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन स्वयं गरिमा जी नंबर का उपयोग करें जी, अपनी आशंकाएं अपने भ्रम से जितने सवाल है उस पर जाहिर करें, उन पे उसको जवाब मिल जाएगा। लेकिन आखिर एक अच्छे प्रयोग के लिए इतनी जल्दी सवाल उठाना मुझे लगता है थोड़ा सा लोकतंत्र में हर चीज की मर्यादा होती है जी। इतना भी बिल्कुल ही जनता के विषयों के प्रति इतनी जल्दी निर्णय कर लेना, उसका इतनी जल्दी के बारे में फैसला कर लेना जी, ये एक वैसे भी अच्छी बात नहीं है। थोड़ा समय देना चाहिए हर प्रयोग के लिए। और दूसरी बात एक और है मित्र जी, राजनीति में और लोकतंत्र में प्रशासन में प्रयोग लगातार होते रहेंगे और वो प्रयोग इसलिए होते हैं कि मैं अच्छे प्रयोग की तरफ आगे बढ़े। मैं ये नीयत जब ठीक होती है जी, एक अच्छा काम कोई करना चाहता है जी, जो अच्छे काम नीयत है कि नहीं है। गहलोत साहब, मैं इसमें इसलिए सवाल, लोगों के मन में आशंकाएं है ना कि कुछ, जैसा मैंने आपसे कहा कुछ राज्यों में हुई इस तरह की पहल और उसे उस तरह की सफलता नहीं मिली। जैसे दिल्ली में ही अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे नंबर दिए थे कि कोई भ्रष्टाचार कर रहा हो, कोई फोटो खींच लीजिए, वीडियो बना के तुरंत भेज दीजिए, एक्शन हो जाएगा। अब बंद हो गया, वो तमाम ऐड भी बंद हो गए हैं, उस पर बातचीत भी नहीं होती है, वो टोल फ्री नंबर कहाँ चला गया। तो इस तरह की पहल हुई है और उसके सकारात्मक बहुत ज्यादा परिणाम नहीं मिला। ऐसा नहीं कि जनता बहुत ज्यादा उत्साहित हुई हो, तो लोगों को ये डर तो है कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी ये टोल फ्री नंबर जो है वो ऐसा ही साबित ना हो जाए, इसलिए सवाल है। नहीं नहीं, हम आ रहा हूँ घर में, एक सीधे जवाब सुनो। जिसपे असफलताएं आई है कभी ध्यान रखा है उसमें और वो सारी चीजें वैसे पुनरावृत्ति नहीं आएगी मुझे लगता है। मैं पूरा आशावादी हूँ इस मामले में, एक अच्छी पहल है तो उसके अच्छे परिणाम आएंगे। गरिमा जी कुछ कह रही, पहले उनको सुन लेते। गरिमा जी क्या कह रही थी आप? विपुल जी, जैसे आपने कहा कि तमाम योजनाएं फेल हो जाती हैं, 108 भी यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई थी और उस समय यहाँ क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री खंडूरी जी थे तो सारे राज्यों को आदेश हुआ था 108 शुरू करने का और उत्तराखंड में 108 शुरू करी खंडूरी जी ने यूपीए गवर्नमेंट के निर्देश पर। और उसके बाद आज 108 का हाल ये है कि किसी गाड़ी में डीजल नहीं है तो किसी गाड़ी में टायर नहीं है तो किसी में ड्राइवर नहीं है और कोई तो मेरे ख्याल से किराए के कमरे बन चुकी हैं कई बसें। तो इनसे कहिए कि योजनाएं तो बहुत अच्छी अच्छी लागू करती है बीजेपी सरकार लेकिन अपने ही प्रति मुख्यमंत्रियों की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम नहीं करती। चलिए हम तो विपक्षी दल के हमारे मुख्यमंत्री हैं या हमारी सरकारें रही तो उसके साथ बदले की भावना समझ में आती है लेकिन अपने मुख्यमंत्रियों की शुरू करी हुई योजनाओं को तो कम से कम मेरे ख्याल से जान उसमें डाल देनी चाहिए। आज बुरा हाल है 108 का और 108 के समय पर ना पहुंचने की वजह से तमाम मौतें हो रही हैं जगह जगह। जरा एक चीज बताइए, आप अपनी कोई शिकायत टोल फ्री नंबर पे करेंगे क्या? नहीं, मैं इस वजह से शिकायत नहीं करूंगी क्योंकि मुझे कोई आशा नहीं है कि मेरी शिकायत का निवारण हो पाएगा। पहले ये आम जनता जो दुखी जनता तो है अभी अभी आलोचना कर लें और एक भरोसा जीतने में कायम हो जाए कि पूरे उत्तराखंड का एक बार भरोसा जीत लें कि ये शिकायतकर्ताओं का समाधान करते हैं तो निश्चित तौर पर मुझे कोई दिक्कत आएगी तो मैं जरूर जाऊंगी। तो ये आलोचना करने से पहले एक बार आपको ये सबूत तो होने चाहिए ना कि देखिए ये काम नहीं कर रहा है नंबर। गैरवला साहब कुछ कह रहे हैं, उनका जवाब सुन लेते हैं। गैरवला साहब लास्ट कमेंट आपका। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनको कुछ करने की आदत ही नहीं रही, कभी जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, आखिर वो नंबर भी क्यों घुमाएंगे जी इसलिए ये कुछ नहीं करेंगे जी, करने का काम हमारा ही है। और इन्होंने एक अच्छी बात और कह दी, बीजेपी की सरकारें अच्छी योजनाएं लागू करती है, ये भी हमारा काम है जी, अच्छा काम करने का पूरा वो जज्बा है, इनका पार्टी का ही रहा है, आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, गरिमा जी से पूछ लेते हैं। गरिमा जी चलते चलते बताइए, अभी गैरवला साहब कह रहे हैं कि आपकी पार्टी को काम ना करने की आदत है और इसी वजह से फोन भी डायल करने की जहमत क्यों उठाएंगे आप लोग, क्योंकि आदत तो है नहीं काम करने की, तो नंबर कैसे डायल करेंगे?
काम करने की आदत मुझे मुझे हंसी आती है। आज उत्तराखंड के अंदर विपुल जी अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ है कहीं भी, चाहे वो स्कूल हो, चाहे दूसरी जगह हो, चाहे गैरसैन हो, कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट आप देख लीजिए, तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज देख लीजिए, मेडिकल कॉलेजेस जो हमारे बने हैं, चाहे वो अल्मोड़ा हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे रुद्रपुर हो, चाहे हल्द्वानी हो और चाहे देहरादून हो, 5 मेडिकल कॉलेजेस कांग्रेस के टाइम पर आए हैं। तो काम करने की आदत हमें कितनी है, हमारा तो काम बोलता है, हमें इनकी तरह गाल बजाने की आदत नहीं है। ये तो इतना ज्यादा झूठ परोसने की इनको आदत हो गई। 2017 के चुनाव में कुछ ज्यादा ही तेज बोल गया, 2017 के चुनाव में काम कुछ ज्यादा ही तेज बोल गया। नहीं देखिए, फैक्टर्स मैंने बार बार विपुल जी आपसे कहा है कि जीतने और हारने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और उसमें आप ये नहीं नकार सकते। उसमें ये फैक्टर तो बिल्कुल नहीं है कि कांग्रेस सरकार ने काम नहीं किया। उसमें चाहे 5 साल का नरेंद्र तिवारी जी का काम हो, वो बहुत बोलता है और एनडी तिवारी जी अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल पूरे किए, उनको वक्त बहुत ज्यादा मिला और उन्होंने बहुत काम किए हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता है। सरकार आई उसमें केदारनाथ जी के पुनर्वास से लेकर और उसका भव्य सुचारू रूप से शुरू करने से लेकर गैरसैंड में इतना लंबा चौड़ा स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करने से लेकर रोड के नेटवर्किंग तक, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के इस प्रदेश के योगदान को कोई नकार नहीं सकता। हाँ, निश्चित तौर पर कमियां हमसे रही हैं, हम स्वास्थ्य सेवाओं को उतना दुरुस्त नहीं कर पाए, हम शिक्षा के स्तर को उतना ज्यादा नहीं बढ़ा पाए, कहीं ना कहीं हमसे भी गलतियां हुई हैं। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट की बात कहेंगे या काम की बात कहेंगे तो हमारा काम निश्चित तौर पर भाजपा से तो कई गुना ज्यादा है। नहीं नहीं, आपका काम तो इतना ज्यादा रहा कि आपके पार्टी के लोग ही नहीं संभाल पाए, दूसरी पार्टी में चले गए, कि इतना काम था, उन्होंने कहा वहां जाके थोड़ा आराम करेंगे, काम बहुत कर रहा है। चलिए, गहरवाला साहब कुछ कह रहे हैं, गहरवाला साहब कुछ कह रहे हैं, गरमा जी सुन लीजिए, गहरवाला साहब लास्ट जी क्या कह रहे थे? जो आदमी काम तमाम करता है या तमाम काम करता है। अच्छा, काम तमाम किया है। अच्छा, गहरवाला साहब कह रहे हैं गरिमा जी की लोग, कुछ लोग तमाम काम करते हैं, कुछ लोग काम तमाम करते हैं, आप लोगों ने काम तमाम कर दिया। हाँ, पता तो चल रहा है कि चुनाव के दौरान इन्होंने किसानों का कर्ज माफ होगा, फिर इन्होंने लोकायुक्त लाएंगे, तबादला नीति लाएंगे, NH-74 को CBI की जांच कराएंगे, ये सारे काम। चलिए चलिए चलिए, आप देखते हैं, देखते हैं इस टोल फ्री नंबर का भविष्य क्या होता है। वाकई में ये कोई एक पहल ऐसी होगी जिसमें आम जनता को राहत मिलेगी, आम जनता क्या सीधे सरकार से जुड़ पाएगी, क्या सरकार की समस्याएं सरकार किसी आम जनता की समस्याएं सरकार सुनेगी, हम उम्मीद तो ऐसी कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। इस टोल फ्री नंबर का हश 1905 ये नंबर है, आप भी कोशिश कीजिए मिला करके, देखिए आपकी शिकायत सुनी जा रही है या नहीं सुनी जा रही, नहीं सुनी जा रही तो बताइए, पूछेंगे यहाँ पे तमाम लोगों के साथ। गहरवाला साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, गरिमा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। जरा सुनते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं इस नई पहल को लेकर के, और उसके बाद बात करेंगे आज के दूसरे मुद्दे की। दूसरा मुद्दा, नीति आयोग तरक्की को तवज्जो, संवाद सहयोग और सहमति की। पहले भारतीय जनता पार्टी का बयान। हमें ये जानकारी है कि लोकतंत्र में जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार होती है, और पुराने जमाने में भी हमारे जो उस समय के शासक लोग हुआ करते थे वो देर सवेर रात में या भेष बदलकर जनता के बीच जाया करते थे जनता की फीडबैक जानने के लिए। इसी प्रकार से टोल फ्री नंबर के माध्यम से भी कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष रूप से बिना किसी दबाव के अपना सुझाव, अपनी शिकायत या अन्य कोई विषय अगर उसके संज्ञान में है तो वो दे सकता है। उससे एक तरह से सरकार को फीडबैक भी मिलता है। चाहते हैं कि उन्हें सब लोग अपने अपने सुझाव दें, जो सुझाव देश हित में होंगे उनको माननीय मुख्यमंत्री जी लागू भी करते हैं, इसलिए उन्होंने टोल फ्री नंबर जारी किया है। और टोल फ्री नंबर के साथ साथ उनका मानना ये है कि जो लोग मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच सकते, जो मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते, तो टोल फ्री के माध्यम से भी अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। और एक टोल फ्री नंबर इशू किया 1905, मैं बार बार अपने डिबेट में भी बोल रहा हूँ, बाइट में भी बोलता हूँ, 1905 वो मन की बात, जनता क्या चाहती है, जनता क्या सुझाव देना चाहती है, जनता क्या पूछना चाहती है सरकार से, और सरकार जनता के द्वार, ऐसी कल्पना मुख्यमंत्री जी हमारे कर रहे हैं।
रेखिवास स्वागत है आपका। बात करेंगे आज के दूसरे मुद्दे की, नीति आयोग तरक्की को तवज्जो, संवाद, सहयोग और सहमति। चलिए अब जरा बात नीति आयोग की बैठक की कर लेते हैं। सोमवार के दिन मुख्यमंत्री ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष के साथ बैठक की और तमाम विषयों पर खोलकर बातचीत की। बैठक में मैराथन मंथन हुआ, इसलिए सोचा कि इसे प्राइम में जगह दी जाए। नीति आयोग की बैठक में क्या कुछ हुआ, क्या निष्कर्ष निकला, यह आपको हर हाल में मालूम होना चाहिए, इसलिए इस विषय को आपके सामने लेकर हम आए हैं। अब बात करेंगे इसी मुद्दे की। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार उत्तराखंड में थे, तमाम विषयों को लेकर के बातचीत हुई। उत्तराखंड की आगे की नीति कैसी होगी, किस तरह की रणनीति के साथ आगे बढ़ना है, कैसे केंद्र सरकार का सहयोग हासिल करना है, तमाम पहलुओं को लेकर बातचीत हुई। मुख्य बातें क्या रहीं, किन पहलुओं पर बातचीत हुई, इसको लेकर के जरा ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस बैठक पर विस्तार से बातचीत करते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर राज्य की परिस्थिति के अनुरूप योजनाओं का निर्माण किया जाना जरूरी है। सरकार पर्यटन, ऑर्गेनिक कृषि और हॉर्टिकल्चर आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने के पक्षधर है। उत्तराखंड में ऊंचाई पर बसे गाँव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में रोपवे का प्रावधान भी जोड़ा जाए, ताकि सड़क निर्माण में पहाड़ों की क्षति न हो और इस योजना को प्रधानमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तौर पर जाना जाए। उपाध्यक्ष नीति आयोग ने कहा कि नीति आयोग और राज्य सरकार के बीच सीधा संबंध और संवाद बेहद जरूरी है। यदि केंद्र सरकार के स्तर से राज्य सरकार की किसी परियोजना में कोई सहायता करनी हो तो इसके लिए भी नीति आयोग कदम उठाएगा। राज्य सरकार ने नीति आयोग के सामने कई परामर्शीय विशेषज्ञ सेवाओं की मांग भी की। इसमें विभागों के एकीकरण, राज्य योजनाओं के युक्त संगतिकरण, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, नए पर्यटन स्थल, होम स्टे, पर्वतीय औद्योगिक नीति तथा रोपवे स्थापना के विषय प्रमुख हैं। बैठक में वन भूमि हस्तांतरण के कारण परियोजनाओं में होने वाली देरी पर भी चर्चा हुई। नीति आयोग से पर्यावरणीय सेवाओं के लिए ग्रीन बोनस दिए जाने की मांग की। दरअसल सूबे की सियासत में ग्रीन बोनस पर भी कई बार महाभारत उठती हुई दिखाई गई है। इसके अलावा पर्यावरणीय कारणों से राज्य के कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता का 20% उपयोग भी नहीं हो पा रहा है, इससे लगभग 40,000 करोड़ का निवेश प्रभावित हो रहा है। इसके अतिरिक्त अधिकारियों की ओर से इको सेंसिटिव जोन, आपदा प्रभावित 398 ग्रामों की विस्थापना, राज्य की गौचर, नैनी सैनी व चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टियों को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत जोड़ने की बात भी उठाई गई। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की ओर से प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के बारे में भी बताया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे 31 अक्टूबर को समाप्त हुआ है और लगभग 1,05,000 परिवार चिन्हित कर लिए गए हैं। इस योजना में बैंकों की सक्रियता बढ़ाने के लिए उनके लिए लक्ष्य भी निर्धारित किया जा रहा है। यकीनन नीति आयोग की बैठक में जिन भी मसलों पर बातचीत हुई, यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द तमाम मसलों पर अटका पेश ढीला हो, मगर कहीं ना कहीं देरी पर भी सियासत में दंगल होते हुए देखे गए हैं। उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि सोमवार को हुई बैठक का असर जल्द ही सरकार की योजनाओं पर होता हुआ दिखाई देगा। कैमरा पर्सन सौरभ कुमार के साथ प्रवीण कुमार और हरीश खनेड़ा, जैन टीवी, देहरादून। चलिए अब जरा बहुत महत्वपूर्ण जो सवाल हैं इस बैठक को लेकर के, वो सवाल आपके सामने लाते हैं और उसके बाद इन जवाबों को तलाशेंगे खास मेहमानों के साथ। सवाल नंबर एक ये कि नीति आयोग की बैठक में हुई चर्चा का आखिर में असर कब तक देखने को मिलेगा। सवाल नंबर दो ये कि ग्रीन बोनस की मांग सरकार की क्या पूरी हो पाएगी। सवाल नंबर तीन ये कि डबल इंजन लगने का उत्तराखंड के विकास पर कितना असर दिखेगा। और आखिरी सवाल यह कि नीति आयोग की बैठक पर हो रही सियासत कितनी वाजिब है। तो इन तमाम सवालों के जवाब हम एक एक करके तलाशेंगे। नीति आयोग के साथ बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि किस तरीके से राज्य की योजनाएं होनी चाहिए, किस तरीके से कितनी फंडिंग की आवश्यकता है, क्या भविष्य में रणनीति होनी चाहिए, इन तमाम पहलुओं को नीति आयोग देखता है, समझता है। और ऐसे में नीति आयोग के उपाध्यक्ष उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कई सारे पहलुओं को लेकर के बातचीत हुई। ग्रामीण सड़क योजना ये को लेकर ये कहा गया कि
इसमें रोपवे को भी इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर सड़क बनाना संभव नहीं है, या फिर सड़क बनाने पर बहुत ज़्यादा भूस्खलन या पहाड़ गिरने की पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की बात हो सकती है। ऐसे में रोपवे की का सजेशन आया। पर्यटन स्थल को किस तरीके से डेवलप करना किया जाना है, इसको लेकर के बातचीत हुई। ये तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक लंबी अवधि के लिए उत्तराखंड का भविष्य कैसा होगा, इसको लेकर के आपको बता दें कि चर्चा हुई है नीति आयोग की बैठक के अंदर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष इसमें मौजूद रहे। पर्यटन, ऑर्गेनिक कृषि, ये तमाम चीज़ों पर बातचीत हुई है। हरजोत सिंह बिश्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। बिश्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद विपुल जी, नमस्कार। नमस्कार बिश्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि अब ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष की मुख्यमंत्री के साथ जो मुलाकात हुई है, कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक प्लानिंग के साथ अगर राज्य आगे बढ़े तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि चाहे वो पर्यटन का मसला हो या बाकी चीज़ों का मसला हो, कई मामलों में हमें लगता है कि उत्तराखंड में उस तरीके से काम नहीं हुआ, सिस्टमैटिक तरीके से, जैसा होना चाहिए था। कैसे देख रहे हैं इस मुलाकात को, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद, जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूं कि राज्य को एक वर्षीय कार्य योजना और पांच वर्षीय कार्य योजना, अगर हम विकास योजनाओं की बना करके बेहतर नियोजन के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम राज्य का विकास उस रास्ते पर ले जाएंगे जिस रास्ते पर ले जाने की उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों की भावना थी। लेकिन हम उस पैटर्न पर इन 17 सालों में राज्य के विकास का खाका तैयार नहीं कर पाए, तो विकास का जो काम हुआ वो काम कायदे से, उसकी प्राथमिकताओं का निर्धारण गलत होने के कारण उसके कुछ फायदे हुए तो कुछ नुकसान भी हुए। आज नीति आयोग की बैठक का जो आपने जिक्र किया, मैं इसके लिए धन्यवाद दे सकता हूं कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में आकर के नीति आयोग के उपाध्यक्ष बैठक करते हैं, राज्य की समस्या को सुनने जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरी चिंता तब बढ़ जाती है जी कि इसी नीति आयोग ने आज से ठीक 2 साल पहले 31 मार्च 2015 को 836 करोड़ रुपए का कमिटमेंट बाढ़ राहत की योजनाओं को उत्तराखंड को देने का किया था जी। आज तक को पैसा नहीं मिला, केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया जी। तो नीति आयोग आकर के किसी राज्य में बैठक करे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करे, राज्य की बुनियादी समस्याओं पर बात करे और उनके समाधान की दिशा में पहल करता हुआ दिखाई दे, इससे लोगों में एक बार उत्साह, आशा और खुशी का संचार हो सकता है जी। लेकिन जब वो कमिटमेंट भारत सरकार पूरा न करे, बिहार चुनाव से पहले के पैकेज की तरह, तो फिर लोगों में बड़ी निराशा भी होती है, क्योंकि तो अब तक जो नीति आयोग का व्यवहार रहा जी उत्तराखंड राज्य के साथ, राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं रहा, तो इसलिए इस बैठक का भी कोई फायदा होगा? तात्कालिक तौर पर मैं जो देख सुन समझ रहा हूं कि लोगों ने बड़ी तारीफ की है जी, और नीति जी की है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से कि योजनाओं की प्रगति ठीक है, लेकिन उत्तराखंड की जनताओं को योजनाओं की प्रगति तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, तारीफ किस बात की हुई? तो ये सारे सवाल हैं जी। इन सवालों के समाधान अगर निकलते हुए दिखाई जी। चलिए, लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया, हम दोबारा कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करने के लिए, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।
मेरे खिबास स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की, जो मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ, क्या कुछ उसके मायने हैं, क्योंकि कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हुई। ग्रीन बोनस को लेकर के बातचीत हुई है, रोपवे को बनाने को लेकर के बातचीत हुई है, तमाम विषयों को लेकर के बातचीत हुई। ज्योति सिंह बिष्ट जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बिष्ट, आप ब्रेक से पहले आप आशंका ये आपके आपसे आप फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप कई सारी आशंकाएं आपके मन में थी कि इस मुलाकात की बहुत ज़्यादा मायने नहीं निकाले जाने चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत ढीला रवैया, केंद्र सरकार की तरफ से काफ़ी ढीला रवैया रहा है। लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प भी तो नहीं है। अगर आपको किसी भी कोई भी केंद्र में सरकार हो, मान लीजिए कल को कांग्रेस की हो, प्लानिंग कमीशन हो, नीति आयोग हो, इनके जरिए ही तो आगे आप बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में तो इस मुलाकात को तो सकारात्मक पहलू भी देखे जाने चाहिए। ठीक है, आपकी कुछ आशंकाएं हैं, लेकिन अगर उत्तराखंड राज्य हो या कोई राज्य हो, उसको आगे बढ़ना है तो इन्हीं इन्हीं संस्थाओं के जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं। आपकी बात सही है। अब योजना आयोग था, उत्तराखंड में जनता पार्टी की सरकार थी, चाहे मुख्यमंत्री रहे हो चाहे खंडमंत्री रहे, और यूपीए की सरकार केंद्र में थी, तो उन लोगों ने अपने सालाना जो खर्च का ब्यौरा बना करके कि उत्तराखंड राज्य की आवश्यकताएं इतने हजार करोड़ रुपए है, योजना आयोग ने उनके प्लान के अनुरूप जो उनकी मांग थी उससे बढ़ करके हमेशा बजट दिया है। ये एक अच्छी सरकार की पहल और कोशिश होती है जी। और कभी ऐसा नहीं रहा कि में कांग्रेस की सरकार और उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है तो इसलिए इनके बजट में कटौती करो। ये जिस ढंग से आपका राज्य है सीमावर्ती राज्य है, संसाधन हीन राज्य है, तो यूपीए सरकार ने बारे में हमेशा अच्छा किया और अच्छा पैसा दिया। लेकिन जब केंद्र में जी की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, तो इस आपदाग्रस्त राज्य के पुनर्निर्माण से लेकर के जो उसके बाद यहाँ पर समय समय पर बरसात बाढ़ से नुकसान होते हैं, उसके लिए जो नीति आयोग ने किया था वो पैसा नहीं मिला। सरकार को जो काम करा दिए गए थे उनका अपने संसाधनों से करना पड़ा। राज्य के सामने एक कठिन आर्थिक चुनौती आई, जूझना पड़ा राज्य को। उत्तराखंड में आकर के जी कहता है जी कैसे भरोसा किया जाए नीति आयोग कहेगा, और ठीक केंद्र की सरकार नीति आयोग बात मान करके राज्य की उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसे। ठीक, आप बने हमारे साथ बिष्ट। हमारे साथ एक और खास मेहमान भी जुड़ गए, नरेश बंसल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बंसल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। बंसल साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार बंसल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल यही कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी की आज मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ। मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे साथ ज्योति सिंह बिष्ट जी भी मौजूद हैं, उनके मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात के मायने तब तक नहीं निकाले जा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी 2015 में तमाम योजनाओं को स्वीकृत किया गया, नीति आयोग से मंजूरी मिल गई, लेकिन 800 करोड़ से ज़्यादा की रकम उत्तराखंड को कभी मिल नहीं पाई। तो इस तरह की बैठक के कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। आपकी पहली टिप्पणी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए संकल्पित है, और संकल्प को पूरा करने के लिए नीति आयोग ने स्वयं उत्तराखंड में आकर के चर्चा की है। अनेक बातों पर फोकस हुआ है, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधित हो, चाहे वो किसानों की आय दुगनी करने से संबंधित हो, पर्यटन पर फोकस हो, रोपवे हो, ग्रीन बोनस हो, सब चीजों पर और सकारात्मक चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस चर्चा में प्रदेश का नेतृत्व किया है। निश्चित रूप से ये शंका करे ना करे, लेकिन उत्तराखंड के विकास में ये एक अहम बैठक साबित होगी, ये आने वाला कल बताएगा। अब कई सारे विषयों को लेकर के बंसल साहब बातचीत हुई है। ये भी कहा गया कि रोपवे को लेकर के कि जहाँ पे सड़कें नहीं पहुंच सकती हैं वहाँ रोपवे को भी राष्ट्रीय परिवहन में शामिल करने की बात की गई है। क्या कुछ जानकारी आपके पास जी? उत्तराखंड के सुझाव पर नीति आयोग ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को प्रधानमंत्री ग्राम संपर्क योजना
में तब्दील करने का आश्वस्त किया है। नाम बदलने में माहिर है, इस बात के लिए इनको धन्यवाद। केवल नाम बदलते रहिए, काम मत करिए। प्रधानमंत्री संपर्क योजना के ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत बनेंगे जी। अभी अब ये बहुत बड़ा, ये केवल उत्तराखंड के सुझाव पर जी ये बात हो रही है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये अभी के बहुत हित में है जी, हमारे नाम बदल दिया, बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। साथ साहब मौजूद हो, करें कि बहुत बधाई। नाम बदलने में आप लोग माहिर हैं, नाम बदलने से क्या होगा? नाम बदलने में नाम सार्थक बदलना चाहिए, नाम बदलने से ही रोग में जुड़ सकता है। अटल बिहारी जी का नाम गुमनाम कर दिया, लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम गुमनाम कर दिया। नहीं, लेकिन बिस्सा मेरा सवाल है आपसे, अगर ग्राम सड़क योजना से तो नहीं बन सकता ना रोपवे, अगर ग्राम संपर्क योजना से किया जा रहा है तो अच्छी बात है, जहाँ पे सड़कें नहीं पहुँच सकती है और कई जगहों पर विदेशों में इसे एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और हिंदुस्तान में जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर एक तो पर्यावरण को लेकर समस्या हो जाती है, भूस्खलन की बात सामने आ जाती है, मलबा गिर जाता है, सड़कें बाधित होती हैं, ऐसे में उन इलाकों में, उन गांव में जहाँ सड़कें नहीं पहुँच सकती हैं, वहाँ अगर रोपवे की व्यवस्था अगर होती है तो स्वागत करना चाहिए आपको, नाम चाहे जो। देखिए, जो आपने बात कही, उत्तराखंड की इस देवभूमि में 400 गांव ऐसे हैं जिनको पुनर्वास करने की जरूरत है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। ये ऑल वेदर रोड की बात कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, रेलवे की बात कर रहे हैं, ये देश की आवश्यकता है उत्तराखंड से पहले कि बॉर्डर एरिया तक यातायात संसाधन सुलभ हों, उसके साथ स्थानीय लोगों को उसका फायदा मिलेगा। अभी उन्होंने एक काम और किया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का नाम ग्राम संपर्क योजना, सड़क की जगह संपर्क कर दिया, उसका श्रेय ले रहे हैं। अब ये रोपवे की बात कर रहे हैं, इन्होंने आज तक एक रोपवे कहीं बनाया हो तो जरा बता दें, सिंगल रोपवे। नहीं नहीं, एक चीज बताइए आप, ये कागजों पर और भाषणों में दो जगह बहुत अच्छी बात करते हैं, और जब उसी काम को धरातल पर करने की बात आती है तो ये उसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, फेल है। ये 40 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बनाने का जो दावा करते हैं प्रतिदिन, इन 6 महीनों में उत्तराखंड में 4 किलोमीटर नई सड़क नहीं बनी, उत्तराखंड में पीडब्ल्यूडी के टेंडर बंद कर दिए गए। किस रोपवे की बात कर रहे हैं आप? 6 महीने में पीडब्ल्यूडी में टेंडर बंद हो गए जी, 6-7 महीने में। सड़क निर्माण का महत्वपूर्ण महकमा है उत्तराखंड का जी, उसमें टेंडर नहीं होंगे, ऐसे आदेश निकले हैं जी। स्वास्थ्य बीमा योजना बंद करते हैं फिर दूसरे दिन खोलते हैं, हकीकत क्या है ये किसी को पता नहीं है, लोग इलाज के बगैर मर रहे हैं। लमगांव में एक प्रसूता मरी, कर्णप्रयाग में प्रसूता मरी, उसके परिजनों को मुआवजा देने की जो मांग कर रहे हैं उन पर मुकदमे हो रहे हैं, उनको इस समय थाने में बिठा रखा है, बजाय इसके कि समाधान निकाला जाए जी। बिस्साब, हम दोबारा, एक प्रसूता जो है कि देहरादून में मरी, राजधानी में जी, इस पर किसी को शर्म नहीं आई। बिस्साब, दोबारा आत्महत्या कर रहा है उस पर चिंता नहीं है। हम महंगाई बढ़ाने में एक्सपर्ट है, नीति आयोग की बैठक करके उसका श्रेय जरूर लेंगे, रविवार कार्यक्रम आयोजित करके कुछ लोगों को बुला करके लोगों को गुमराह जरूर करेंगे, धरातल पर कुछ नहीं होने वाला है। बिस्साब, दोबारा जरा उसी विषय पर आते हैं, आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत कर रहे हैं, नीति आयोग के मुद्दे को लेकर के। आपके नहीं, नीति आयोग ने पिछले 2 साल में, भाई साहब विपुल जी, जरा उत्तराखंड के लिए क्या किया जरा ये तो बता दें। इन्होंने बंसल साहब ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का नाम बदल करके ग्राम संपर्क योजना बना दिया। नीति आयोग ने क्या किया उस पर नहीं बात करेंगे? नीति आयोग के माध्यम से उत्तराखंड के विकास के लिए पिछले 2 साल में कितना पैसा नहीं मिला उसको नहीं बताएंगे? बात यह है ना कि आज बैठक हुई, अगर आप बल्ले बल्ले पिछले 2 साल क्या हुआ उस पर बताओ ना पहले, कि 2 साल में नीति आयोग के माध्यम से उत्तराखंड को फला 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 फायदे हुए उस पर नहीं बात हो रही है। जरा पूछ लेते हैं बंसल साहब, लगातार जो है ज्योत सिंह बिस्ट जी कह रहे हैं कि पिछले 2 साल में नीति आयोग की तरफ से कितने पैसे मिले। देखिए, ज्योत सिंह जी हमेशा शंकाओं में रहे हैं,
जब इनका शासन था। मैं संख्या में नहीं, मैं अपनी बातें जानकारी के आधार पर बोलता हूँ बंसल साहब, कहीं आप गलत फहमी न पालिए। जनता हमने हमको समर्थन दिया है, हम जनता के हित में काम कर रहे हैं। जनता के समर्थन में आप ये बताओ, आपकी दिल्ली की सरकार ने दो साल में उत्तराखंड के लिए क्या किया ये बताओ, ये जवाबदेही अब आपकी राज्य में भी आपकी सरकार है। किसी भी प्रकार से जनता के हित में नहीं है, इनको केवल आलोचना के लिए आलोचना करनी है। नहीं लेकिन लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं पर वाकई में आप मेरी बात का जवाब दे देंगे तो मेरी आलोचना केंद्र सरकार अपने आप बंद हो जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से तो ये पार्शियलिटी क्या हुई कि क्योंकि राज्य में कांग्रेस की सरकार थी इसलिए जो है उनको पैसे नहीं दिए गए। कभी भेजे नहीं समय से, डीपीआर कभी भेजी नहीं, किसी चीज का फॉलो अप किया नहीं। इन पर उत्तराखंड के आपदा के बाद पुनर्निर्माण का भारत सरकार का जो कमिटमेंट है उत्तराखंड के साथ, जो स्वीकृत पैसा है उसका अगर मोदी जी की 700 करोड़ की घोषणा मान दी जाए तो 3300 करोड़ रुपया उत्तराखंड का केंद्र सरकार पर देनदारी है। उसके पैसे को दिला दे इनका नीति आयोग। 3300 करोड़ की जो देनदारी है उस कर्ज से केंद्र सरकार उत्तराखंड के कर्ज से मुक्त होकर के दिखाए तो तब मैं मानूंगा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए अब हमारे लिए इस विषय पर समय जो है वो समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बंसल साहब आपका भी और बिश साहब आपका भी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से काफ़ी आशंकाएं जताई गई हैं, इस मुलाकात से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन हम जो है इसे एक सकारात्मक पहलू मान रहे हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अगर राज्य में आकर के राज्य के भविष्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो इसके सकारात्मक पहलुओं को भी देखना होगा। अब जरा चलते चलते हम आपको छोड़ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कह रही है, उनके क्या कुछ बयान है। फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में इतना ही, आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार। नीति आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग है, आने वाले समय में सारी कार्रवाइयां नीति आयोग के माध्यम से जो योजनाएं बनेंगी उसके द्वारा होंगी, तो इसको जितना प्रभावी हम बना पाएंगे उतना लाभ प्रदेश को होगा और सरकार बिल्कुल सही डायरेक्शन में सही गति से और सही प्रकार से काम कर रही है। बैठकों से पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को बहुत बड़ी सौगातें दी हैं, चाहे वो हमारी ऑल वेदर रोड हो, चाहे रेलवे हो, चाहे हमारी चारों धाम के लिए जिस तरीके से उन्होंने इस प्रदेश में और जो सड़कों के जाल बनाने के लिए जो उन्होंने यहाँ पैसा दिया है, निश्चित रूप से जो जनता की यहाँ माननीय मोदी जी ने जनता से भरोसा दिलाया था कि अगर आप जो है डबल इंजन की सरकार हमें देंगे तो हम इस प्रदेश में इस प्रदेश को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। रेल समस्या, पलायन की समस्या को लेकर जूझता रहता है, उस समस्या को दूर करने के लिए नीति आयोग की पहल है। उसमें सड़कों का जाल बसाया जाए, बड़े बड़ी सड़कें बनाई जाए, क्योंकि उसका एक एग्जाम्पल ऑल वेदर रोड आ रहा है। ऑल वेदर रोड ऐसा रोड आ रहा है, 890 किलोमीटर का रोड जिसमें हमने, आज मैं पर्यावरण के ऊपर भी बोल रहा था कि जिसमें हमने जो हमारा भूमि अधिग्रहण जो भी होगा उसमें जो पेड़ आएंगे